फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में कभी भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। ठीक है, अब इस ऐप में आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ वाला डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आप अपने मोबाइल फोन को जैसे ज्यादा देर यूज करते हैं, 2-3 घंटे कंटिन्यू आप अपने फोन को यूज करते हैं, और इसके तुरंत बाद अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे ना, तो इससे आपका फोन ओवरहीट होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको मोबाइल फोन को थोड़ा रेस्ट देना आधे घंटे का, तब जाके चार्जिंग पे लगाना है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस को अगर आप फुल रखेंगे तो इससे भी हमारा मोबाइल फोन ओवरहीट होता है। आपको ब्राइटनेस को उतना ही रखना है जितनी जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन जो है ना, गर्मियों के सीजन में हमारा फोन रखे अपने आप ही गर्म होने लग जाता है, तो आपको गर्मियों के सीजन में फोन को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर ठंडक हो। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे मोबाइल फोन के चारों ओर का जो एटमोसफेयर होता है वो गर्म होता है। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार पर रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।